वैरायटी लेकर के आवेगी, कर्जे के लिए कार्ड दिए जाएंगे। पहले ही किसान कर्ज में है और कर्जबंदी में कार्ड देके किसान को जकड़ देंगे। 10 साल के कार्यकाल में देखें तो घोषणाओं में इसने कोई कमी नहीं छोड़ दी, लेकिन हुआ क्या आज तक? इन्होंने जो पहले घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर दिया है। बजट में खेती किसानी को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। किसान नेताओं की ओर से एक बार फिर MSP का मुद्दा उठाया गया है। देखिए, घोषणाएं तो हर वर्ष होती है बजट में, लेकिन वो लागू होनी चाहिए। और हमें ये मांग करें सरकार से कि जो आप कहते हो उसको करो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। हम मांगते कुछ है, सरकार करती कुछ है, उसके अनुरूप सरकार किसानों की डिमांड के अनुसार नहीं चलती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 1,52,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया है, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और 32 नई फसलों की 109 वैरायटी लेकर आई जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वैरायटी लेकर के आवेगी, कर्जे के लिए कार्ड दिए जाएंगे। पहले ही किसान कर्ज में है और कर्जबंदी में कार्ड देके किसान को जकड़ देंगे। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि MSP खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए और किसान जो दलदल में है, जो कर्ज मुक्ति है, उसकी की जाए। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है, अगर सरकार सही मायने में किसान हित में काम करना चाहती है, तो जो 28% GST जो किसान औजार जो भी सामान खेती के लिए लेता है, किसी भी वर्ग पर 28% की GST नहीं है, वो किसान के ऊपर लागू है। आप GST को ख़त्म कर दो, आप इधर उधर स्कीम बना करके इस रुपये को इधर उधर धकेल रहे हो, तो आप GST को ख़त्म कर दो, किसान पर बहुत भारी किसान को लाभ होगा। और जो युवाओं के लिए स्कीम जो आप बता रहे हो लेकर के आए हो, वो नए रोजगार में जाएगा और उसको एक्स्ट्रा सरकार कंपनसेशन देगी, तो अच्छी बात है। वो दे युवाओं को रोजगार भी दे और उनको मतलब प्रोत्साहन करे, तो वो युवाओं के लिए एक अच्छा मार्ग हो सकता है। 1,52,000 करोड़ की बात हुई है, उससे फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा, मैं तो समझता नहीं उसमें फ़ायदा होगा। नेचुरल खेती पर तो हम थे, कन्वर्ट किसने किया हमारे को? कौन रासायनिक खाद लेके आया देश में? किसान तो लेके नहीं आया। और ये सब रासायनिक खाद बीज दवाइयाँ बंद कर दो, ये धरती माता अपने आप नेचुरल खेती पैदा कर देगी, उसमें पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आपका शुभ नाम? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये जो बजट आया है उसका कितना लाभ किस तरीके से देखते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार घोषणाएं करती है और इस सरकार के तो घोषणा में कोई कमी कुछ नहीं है, शुरू से लेकर आज तक इसके, अगर जो 10 साल के कार्यकाल में देखें तो घोषणाओं में इसने कोई कमी नहीं छोड़ दी, लेकिन हुआ क्या आज तक? इन्होंने जो पहले घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? सारा आंकड़ा सरकार के पास है, किसान की जमीनों का रिकॉर्ड सरकार के पास है और जो कर्जा किसानों का उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास है। किसान कर्जबंद हुआ है, आमदनी दुगुनी की बात छोड़िए और बल्कि दुगुना कर्जबंद हुआ है किसान। तो घोषणाएं करने का फायदा जब है जब वो जमीन स्तर पर लागू हो। 1,52,000 करोड़ की बात सामने आ रही है, 5 नए राज्यों में क्रेडिट कार्ड की बात सामने आ रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात कह रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1,52,000 करोड़ रुपए की बात की आपने, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की आपने, यानी कि किसानों को किसी न किसी रूप में कर्जा दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा ना। आज आप देखते होंगे कि इतने किसान भाई हमारे, किसान और मजदूर कर्जे की वजह से कर्जे के दलदल में धंसकर आत्महत्या करने लग रहे हैं। अरे पीछे तो कर्जा पटिया नहीं, आगे नया कर्जे का बोझ और देना। जो किसानों की डिमांड है शुरू से, MSP की डिमांड, लाभकारी मूल्य, उस पर सरकार क्यों नहीं आती है? किसान को कर्ज मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है, किसान को लोन की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट, कोई क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। सबसे मेन जो डिमांड है किसान की शुरू से ही, वो है MSP की डिमांड, लाभकारी मूल्य फसलों का। बता दें कि केंद्र सरकार के बजट का सत्तारूढ़ खेमा जहां खूब तारीफें कर रहा है, वहीं विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।